वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर गाइस आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और रफ है और आपने गलती से ड्राई फाउंडेशन ले लिया है, सो अगर आप उसे यूज नहीं करते हैं बिकॉज आपकी स्किन जो है वो उसे लगाने के बाद बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, सो गाइस ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपकी अगर स्किन ड्राई है और फाउंडेशन गलती से ड्राई अगर आपने ले लिया है सो उस फाउंडेशन को आप किस तरीके से यूज करें। सो गाइस मेरी भी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है क्योंकि विंटर सीजन है तो हम ज्यादा अच्छे से केयर नहीं कर पाते, उससे आपकी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है। सो फाउंडेशन मेरे पास कलर बार का था जो कि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता था मेरे फेस में, एकदम लगाने से वो ज्यादा एकदम रफ हो जाता था, सो मुझे अपने फेस को बाद में वॉश करना ही पड़ता था। बट गाइज मैंने उसे एक दो बार ट्राई किया अलग अलग तरीके से लगाने से, सो मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और मैंने वो फाउंडेशन काफी बार यूज किया उसी मेथड से। सो गाइज इसी मेथड से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो लुक है वो मैंने उसी फाउंडेशन से क्रिएट किया है। सो गाइज आपको बिल्कुल भी नहीं लग सकता कि मेरी स्किन ड्राई लग रही है या फिर रफ लग रही है। सो आप भी जाने कि मैंने किस तरीके से इस फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई किया है और ये लुक क्रिएट किया है। सो गाइज जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बता दूं, आपको जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करना है या फिर जब भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आपको फाउंडेशन कैरी करना है अपने फेस में तो आप उस दिन अच्छी तरीके से अपने फेस में स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने से ये होता है कि आपकी जो भी फेस की डेड स्किन होती है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगी और जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और फाउंडेशन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। गाइस फर्स्ट यहाँ पर स्क्रब हो गया, सेकेंड आता है फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर ली। मैं यहाँ पर लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। गाइस ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आधे से ज्यादा इसे खत्म कर चुकी हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा है और विंटर्स के लिए काफी मतलब हेल्पफुल रहेगा आपके फेस के लिए। सो गाइज अगर आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई है सो आपको मॉइस्चराइज करना अपने फेस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फेस ऑयली है तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्राइमर यूज कर सकते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये आपके स्किन को एक मॉइस्चराइज करेगा और वो आपके स्किन को ड्राइनेस से बचाए रखेगा। गाइस देन आपको एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल आपको बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी लेना है, ज्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं लेना है अदरवाइज ये आपका फेस बहुत ज्यादा चिपचिपा कर देगा। एलोवेरा जेल के बाद आपको हल्का सा रोज वाटर स्प्रे करना है आपके फेस में। गाइज ये हमने एलोवेरा जेल इसलिए यूज किए हैं, अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है सो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं, उसको ड्राई होने तक के आपको रखना है। ये काफी अच्छा प्राइमर का भी काम करता है। सो गाइज अब तक हमने जो भी किया वो हमने सिर्फ फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले जो हमने फेस को तैयार किया है फाउंडेशन के लिए। गाइज यहाँ पर अगर आप फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई दिखता है और पैची दिखता है और आप उसके अगर कॉम्पैक्ट यूज करते हो सो कॉम्पैक्ट से और आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। सो यहाँ पर हमने अभी अपने फेस को फाउंडेशन के लिए रेडी किया है, अब हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन अप्लाई करना। सो गाइस यहाँ पर मैं कलर बार का ये फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। कलर बार का इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई है मेरे स्किन में, अगर आप स्किन में लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा आपके फेस को ड्राई कर देगा। सो वीडियो गाइस इसी के ऊपर है, इसीलिए मैंने आपको फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले जो प्रोसेस होते हैं वो बताए हैं और फाउंडेशन के साथ ड्राई फाउंडेशन अगर आपके पास गलती से आ गया है तो उसके साथ आप किस तरह से फाउंडेशन में कुछ चीजें मिला के लगाए जिससे आपका फेस ड्राई ना लगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैं यहाँ फाउंडेशन लूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्किन के हिसाब से बहुत ज्यादा लाइट है सो इसमें मैं एक और फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ। अगर आपका फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके अच्छे से मैं अपने फेस में अगर अप्लाई करूंगी तो ये मेरे फेस को एक काफी अच्छे टोन देगा। यहाँ मैं गुड वाइब्स का टी ट्री का ये एसेंशियल ऑयल है वो मिक्स करूंगी।
गाइज आपको 3 से 4 ड्रॉप लेना है बस। तो यहाँ पर कोई भी सनस्क्रीन लेना है आपके पास जो भी अवेलेबल हो तुरंत में। आप इसे फाउंडेशन में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने इसे फाउंडेशन में अप्लाई किया है। अब सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। सो गाइस मिक्स करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर आपको ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे तरीके से टिप करके उसका पानी पूरा आपको एक्सेस जो वाटर है पूरा निकाल लेना है। गाइस ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी डस्ट है या फिर जो भी इसमें गंदगी है वो निकल जाएगी और आपका जो फाउंडेशन है वो इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो इसमें नहीं चिपकेगा, वो डायरेक्ट आपके फेस में ही लगा रहेगा। सो भाई जैसे आपने देखा कि ये फाउंडेशन इतना ड्राई है, जब भी मैं इसे यूज करती हूँ तो ये मेरे फेस को पूरा ड्राई कर देता है। बट अगर आप इस तरीके से करते हैं, इस मेथड से करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है। अगर आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट भी लगाते हैं तो ये कॉम्पैक्ट जाकर आपके फेस में स्टे करेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा आपका फेस। सेकेंड यहाँ पर अगर आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो आप कंसीलर की जो स्टिक होती है वो अप्लाई करें, उससे आपका फेस में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहेगी और वो आपका फेस बहुत ज़्यादा शाइन भी करेगा। सो गाइज जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो कलर बार का फाउंडेशन था वो बहुत ज़्यादा ड्राई था, सो मैंने इस तरीके से अपने फेस में फाउंडेशन अप्लाई किया जिससे मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा। अगर आप फेस में हाथ भी लगाओगे तो बिल्कुल रफ नहीं लग रहा है वो। अगर रफ स्किन है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी ऑयली आपकी स्किन को बनाने की ज़रूरत पड़ती है, सो आपका फेस में इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर लग रहा है, बिल्कुल ड्राई नहीं लग रहा है। गाइज सो ये रुक मैंने अभी क्रिएट किया है, आफ्टर 1-2 आवर के बाद आप अपने इसको देखेंगे तो आपका फेस बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगेगा और बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा और बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन काला नहीं पड़ेगा, आपका फेस काला नहीं पड़ेगा अगर आप इसी तरीके से अपने फेस में फाउंडेशन अगर अप्लाई करते हैं तो। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने फाउंडेशन के साथ अप्लाई किया मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एसेंशियल ऑयल और सनस्क्रीन, ये 3 चीज आपको अपने फाउंडेशन में मिलाना है अगर आपका फाउंडेशन ड्राई है, अगर आपकी स्किन को ड्राई करता है तभी, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करें। जैसे अगर फिटमी का फाउंडेशन मैंने जैसे कि इसका ट्यूटोरियल दिया था, अगर आप वो डायरेक्ट अपने फेस में लगाते हैं तो आपको ये ऑयल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा मॉइस्चराइज करके अपने फेस में प्राइमर अप्लाई करके देन आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकती है। सो गाइज अगर आपको मेरा मेथड इजी लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक देकर शेयर जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी टैप कर दें। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।